खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। भारत पाक अटारी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे गेट की फेंसिंग पार। भारतीय क्षेत्र में बुधवार की शाम भारत सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। इसकी पहचान पाक नागरिक गुलनवाज के तौर पर हुई है। हालांकि इस घटना के बाद बीएसएफ अधिकारियों ने तुरंत बाद ही पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर इस घटना की जानकारी दी और उसकी पहचान कराए जाने को कहा, लेकिन पाक रेंजर्स ने शव को लेने से इनकार कर दिया। कश्मीर में दहशत फैलाने में नाकाम पाकिस्तान ने अब एक और नया प्लान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए बताया है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की बैठक हुई है। इस बैठक में कश्मीर में आतंकियों को आत्मघाती हमले करने के लिए कहा गया है। अयोध्या के सुनवाई की संविधान पीठ के 5 जज आज कोई भी केस नहीं लेंगे। वे इस फैसला लिखे जाने को लेकर चर्चा करेंगे। 5 जज अपने अपने कोर्टों में कोई सुनवाई नहीं करेंगे। अयोध्या केस का फैसला लिखने की व्यस्तता के चलते सीजेआई रंजन गोगोई ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि रंजन गोगोई को ब्राजील, अमेरिका, मिस्र, यूएई और अन्य कई देशों की यात्रा पर जाना था। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर ऑर्डेवन स्कीम लागू करने जा रही है। ऑर्डेवन स्कीम का दूसरा चरण 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। ऑर्डेवन का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी भारत रत्न सावरकर को ही क्यों देना चाहती है, गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को क्यों नहीं। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री कमलनाथ को 4 पत्र लिख दिए हैं। वहीं उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या से मुख्यमंत्री को रूबरू करवाया है। मैग्निफिशेंट एमपी के आगाज से पहले बुधवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद से अब तक प्रदेश में 31,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है और इस निवेश के द्वारा 1,00,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वीर सावरकर को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने वीर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्रकारी भी करार दिया। कमलनाथ सरकार के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह को खून से लिखी चिट्ठियां मिली हैं। उन्हें ये चिट्ठियां मत्स्य विज्ञान कॉलेज जबलपुर के छात्रों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लिखी हैं। चंबल के बिहड़ों में अपने नाम का डंका बज चुके मलखान सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं वो मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किसानों को लेकर निशाना साध रहे हैं।